नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल एस्ट्रो गुरु पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आज आपसे बहुत ही खास योग के ऊपर चर्चा करूंगा, पर उससे पहले मैं आप सबको 2019 की बधाई देता हूं। 2018 चला गया, 2019 वर्ष आया है। तो दोस्तों, जैसा कि हर साल की तरह हम इस साल भी यही उम्मीद करके इस साल की शुरुआत करते हैं कि हमारा विकास हो, हम खुशहाली भरा जीवन जिए, हम ढेर सारा धन कमाएं, हम प्रसन्न रहें, हम खूब उन्नतिशील हों। पर क्या ऐसा होता है? हर साल की तरह क्या हम ये साल भी केवल पहले 2 या 3 दिन तक बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित करके, दोस्तों के साथ पार्टी करके, परिवार के साथ खुशियां मना करके, केवल चंद दिनों तक की खुशियां मना करके हम इस साल को भी यूं ही गंवा देंगे? हर साल की तरह ये भी साल फिर उन्हीं टेंशन्स के साथ, उन्हीं परेशानियों के साथ, उसी प्रेशर के साथ शुरू होगा। तो हमारा जीवन कहां बदला? साल तो बदल गया, पर जीवन में परिवर्तन कहां आया? वही दबाव, वही दिक्कतें, वही परेशानियां, वही प्रेशर, सब कुछ होने के बावजूद भी आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि हम नहीं बदले, हमें बदलने की जरूरत है। तो आइए हम अपने आप से कुछ ऐसे प्रॉमिसेस करें कि हम इस 2019 को और बेहतरीन कैसे बनाएंगे। हम इस 2019 में बिल्कुल भी चिंता या टेंशन्स नहीं लेंगे। कुछ ऐसी आदतें अपने जीवन में ढालेंगे जो हमें नया बनाएंगी, जो हमें विकास गति की तरफ लेकर जाएंगी। नई चीजें ही आकर्षित करती हैं, इसीलिए आकर्षण का केंद्र बनना है तो नए बनिए, अपने आप में परिवर्तन लाइए और एक अच्छा परिवर्तन लाइए। हम उन सभी परेशानियों को, हम उन सभी बुरी आदतों को 2018 के साथ पीछे छोड़ दें और 2019 में हम उन अच्छी आदतों के साथ शुरुआत करें जो हमें उन्नतिशील बनाए, जो हमारे व्यक्तित्व को निखारे। हमें अपना आलस्य छोड़ना है, हमें अपने अंदर बुराइयां, उन बुराइयों को खत्म करना है जो हम दूसरों के साथ करते हैं। लड़ना, झगड़ना, दूसरों पे शक करना, अविश्वास, जातिवाद, धर्मवाद, इन सभी प्लेटफॉर्म को छोड़कर विकास की ट्रेन पकड़नी है। इसलिए हम 2019 में खुद से ये प्रण करेंगे कि ये 2019 हम खाली नहीं जाने देंगे। हम अपने देश को अपनी तरक्की से तरक्कीशील बनाएंगे, हम एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, हम IAS या IPS ऑफिसर्स बनेंगे, हम बहुत अच्छे इंजीनियर्स बनेंगे, हम बहुत अच्छे डॉक्टर्स बनेंगे, हम बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस बनेंगे। क्योंकि रेस में घोड़ों को दौड़ाया जाता है, गधों को नहीं। इसलिए घोड़े जैसी फुर्ती दिखाइए और रेस में उतरिए और अव्वल आइए। आप अपना भी नाम रोशन करें और देश का भी नाम रोशन करें। हम भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, पर क्या भारत विश्व गुरु टिकटॉक पर वीडियोस बनाने से या सोशल मीडिया पर घंटों घंटों चैटिंग करने से बनेगा, या यारी दोस्ती के चक्करों में फंसने से पड़ेगा, या प्रेम प्यार के चक्कर में फंसने से पड़ेगा? नहीं, हम भारत को विश्व गुरु अगर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए पहले अपने गुरु का तो सम्मान करना सीखें, अपने बड़ों का आदर करना सीखें। हम इस 2019 में इन सभी अच्छी आदतों को अपनाएं। संगीत सीखना है, आप संगीत सीखिए, किताबें पढ़िए, अच्छी अच्छी पुस्तकों का साथ कीजिए, अच्छे अच्छे लोगों के विचार लीजिए, बड़ों से उनका अनुभव सीखिए, बुजुर्गों का संग कीजिए, उनसे उनका अनुभव जानिए और अपने ज्ञान और उनके अनुभव के जरिए आप आगे बढ़िए। फिर देखिए, आपको तरक्की करने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो हम 2019 में ऐसी ही कुछ आदतें अपनाएंगे और 2019 को बहुत ही बेहतर बनाएंगे। और भारत को विश्व गुरु यदि बनाना है तो अपने गुरु का सम्मान करें, अपनी विद्या का सम्मान करें, उसमें और निखार लाइए, उस पर और अभ्यास कीजिए। आपको जो आता है आप बेहतर तरीके से कीजिए, आप उसी में अव्वल बनिए।
डोसे वाले को अगर बहुत अच्छा डोसा बनाना आता है तो वो डोसा ही बनाए, उसको इडली बनाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसको उसी में महारत हासिल है। तो जिसको जिसमें महारत हासिल है वो उसी में ही अपनी सफलता हासिल करे। आप ढेर सारा धन कमाए, आप ढेर सारी नौकरियां पैदा कीजिए, अपने समाज को स्वच्छ रखिए, अपने इलाके को स्वच्छ रखिए, हम पर्यावरण की सुरक्षा करें, इस साल हम जितने हो सके उतने वृक्ष लगाएं, नदियों को दूषित ना करें, खुद के मन को दूषित ना करें। आप अपने भीतर के जहर को निकालिए और अपने भीतर खुशियों के अमृत को पैदा कीजिए, क्योंकि आप महकेंगे तो आपके आसपास का जहान महकेगा। हम इस भारत देश के बगीचे के कुछ वो फूल हैं जो अपनी ही खुशबू से बिछुड़ गए हैं कुछ दूसरे लोगों की तलाश में। हमारी तलाश खुद की है, दूसरों की नहीं। हम भटके वही हैं जब हम दूसरों की तलाश में निकले हैं। आप खुद की खोज में निकलिए, आप सब पा जाएंगे। इसलिए खुद की तलाश कीजिए, दूसरों को मत देखिए, दूसरा क्या करता है क्या नहीं। हाँ, दूसरों से अच्छी बातें सीखिए, बुरी बातें नहीं। उन बातों को निकाल फेंकिए जो आपके समय को बर्बाद करे, आपके व्यक्तित्व को बर्बाद करे, आपको आपके परिवार से कट ऑफ करे। बहुत ज्यादा मोबाइल पर हमें समय नहीं देना, अपने परिवार के लिए हम कुछ समय निकालें। आज हम मोबाइल में इतना बिजी हो गए हैं कि हम अपने परिवार से टूटते जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना, यही कारण है तनाव और परेशानियों का। तो हम 2019 को तनाव और परेशानियों विमुक्त जिए, इसके लिए अपने परिवार के साथ समय दीजिए, खुद को समय दीजिए, मोबाइल से थोड़ा सा दूर रहिए, यूज कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, पर जरूरत से ज्यादा नहीं, जरूरत जितनी है उतना ही। चलिए, अब मैं आपसे आज के मुख्य योग पर चर्चा करूंगा। दोस्तों, आज का जो मुख्य योग है वो है महाराज योग। महाराज योग वो योग जो यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में हो और वो व्यक्ति अगर राजनीति के क्षेत्र में उतरना चाहता है तो ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद या राज्यपाल जैसा पद अवश्य मिलता है। अगर उस व्यक्ति की कुंडली में ये योग बनता है जो राजनीति में उतर चुका है या उस पद के लिए इलेक्शन लड़ रहा है, तो उसकी इलेक्शन में 101% जीत होती ही होती है। और ये महाराज योग, अगर आप कोई बहुत अच्छे व्यापारी बन रहे हैं, आप बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं, और अगर आपकी भी कुंडली में ये बनता है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही सफल बिजनेसमैन बनता है। और ये महाराज योग, अगर कोई व्यक्ति अधिकारी पद के लिए प्रयास कर रहा है, आईएएस या आईपीएस के लिए प्रयास कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में ये योग होता है, तो वो व्यक्ति आईएएस या पीसीएस भी क्लियर करता है। ये एक योग इतने सारे राज्य पद हमें देने के काबिल है। ये योग भी अन्य राजयोगों की तरह ही है, पर बहुत ही कम लोगों की कुंडली में पाया जाता है। तो आइए, आज मैं आपसे कुछ ऐसी ही कुंडली का उदाहरण प्रस्तुत करता हूं जो महाराज योग के ऊपर बनाई है मैंने। तो देखिए, ये आपके सामने एक कुंडली है। अब मैं आपको बताता हूं महाराज योग बनता कैसे है। लगन का मालिक जहां पे एक नंबर है और पांचवे घर का मालिक जहां पे पांच नंबर का अंक है, एक नंबर जो मेष राशि कहलाती है और पांच नंबर जो सिंह राशि कहलाती है। अब मेष राशि के स्वामी है मंगल और सिंह राशि के स्वामी है सूर्य। अगर मंगल पांचवें घर में बैठा हो और सूर्य लगन में आकर के बैठ गया हो, तो ऐसी कुंडली बनती है महाराज योग। इसे हम कहते हैं हमारे ज्योतिष में महाराज योग। तो दोस्तों, ये था महाराज योग। ये जिस व्यक्ति की कुंडली में होता है वो महाराजा जैसा जीवन जीता है। मैं आपको इन योगों के बारे में इसलिए बताता हूं क्योंकि हम अपने बारे में जानने के लिए ज्यादा इच्छुक होते हैं बजाय दूसरों के बारे में जानने के। हमें अपने बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है। तो क्या पता आपकी भी कुंडली में ऐसा योग हो। हम जब ऐसी चीजों के बारे में जानते हैं और हमारी भी कुंडली में जब ऐसा कुछ निकलता है, तो हमें बड़ी खुशी मिलती है, हमारा मनोबल बढ़ता है, हमारा उत्साह बढ़ता है।
तो इसलिए आपका उत्साह बढ़े, आपका मनोबल बढ़े, इसलिए मैं अपने ज्ञान को आपके सामने इस तरीके से प्रस्तुत कर रहा हूं जो बिल्कुल शास्त्रों और वेदों से ही उठाया गया है। मैं अपने जीवन के 5 साल अध्ययन के अनुभव को आपसे शेयर कर रहा हूं। ज्योतिष बहुत ही उत्तम विज्ञान है शास्त्रों में। यह विज्ञान हमें उत्साहित करता है, यह विज्ञान हमारा मनोबल बढ़ाता है, इसलिए इस विज्ञान को मैं अच्छे काम में लगाने के प्रयास में हूं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जाते जाते आपको एक बार फिर से साल 2019 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका ये साल मंगलमय हो, उन्नतिशील हो, विकासशील हो। जय हिंद, जय भारत।